PML है, पप्पू यादव को बोलिएगा ना तो हम ठेल देंगे। ब्रजेश सिंह भी नहीं घूमता है सर। सर मैं आपको बता दूं, आप मैंने कहा जी खूब घूमता है। चुपिए एकदम चुप रहिए, हमको बात सिखाइए। लेकिन सब एक जैसा नहीं है सर। बिना दारू के आप नगर निगम में वोट दिए हैं, बिना पैसा का वोट दिए हैं भैया। बिना पैसा का कोई वोट देते हैं तब तो ढूंढिएगा ये कौन जात छे, कौन धर्म छे, समझे। तब मोदी या गोदी या लालू आ नीतीश आ फलना बोलवाइए मत। थे पप्पू यादव जी जिनका कहना है कि भैया आम आदमी गजरा मुरई के भाव मरे, ठीक है सर, मरे या जिए, बड़े बड़े औहदे पर बैठे लोगों को क्या मतलब है कि कौन सा आदमी मरा और नहीं मरा। यही चीज दिखाना चाह रहे थे कि रोज अमूमन कटिहार का ये चीज बना हुआ है कि अक्सर लोग रोज मर रहे हैं और कौड़ियों के भाव में उनका कोई सुनने वाला नहीं है। अब पप्पू यादव जी अक्सर यही सब बयान देते हैं, लेकिन देखने की बात यही होगी कि अब आगे क्या होता है, जो परिवार के साथ ऐसा दुर्घटना हो जाए उसके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये देखने वाली बात हम लोगों को हमेशा रहता है और शायद रहेगा। एक्सीडेंटल जो है वो कटिहार का पहचान बन चुका है, अमूमन पूरे बिहार का। आप भी आए सर, अच्छा लगा, लेकिन कितना दिन ऐसा चलेगा? ओवरलोडिंग सर, ओवरलोडिंग कभी रुकता नहीं है। बड़ी बड़ी हाईवा जो है बालू लादे हुए चलती हैं। आप पटना रहते हैं सर, बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी से आप बात करते हैं। इस जी क्या है कि इसमें सबको डेली गरियानी से क्या फायदा, हम डेली घटना में रहते हैं। कल खबरी सब मुजफ्फरपुर में थे, परसों हम कहीं और थे, कहीं किडनी निकाल लिया वहाँ थे, कहीं BSSC के लाठीचार्ज में थे, कभी अमीन की लड़ाई में थे। आप जो जितना जानते हैं वो तो जैसे कोसी है, गंगा है, महानंदा है, गंडक है, बूढ़ी है, कन्हर है, केहर है, नदी क्या है इसको समझ। नदी के बगल में जो ट्रैक्टर चलाने वाले, नाव चलाने वाले लोग हैं, उन पर कहर बरस गया। एक घाट का डाक होता है 28 करोड़, 29 करोड़, 15 करोड़, 14 करोड़, 16 करोड़। तो जो माफिया नेता पदाधिकारी की मिली होगा से डाक ले जाती है। सोसाइटी, आप किसी को बोलिए, सोसाइटी भी तो इसमें दोषी है। अब जैसे ओवरलोडिंग, हम लोगों के लिए ओवरलोडिंग है, जो नदी के बगल में रख करके जो कहीं से अपने नाव से बालू लाता है या कोई भी ऐसी चीज़ें लाती है, खनन लाता है, उसको आप रोक लगा दिया, सरकार उस पर बैन कर दी। तो नदी के बगल में रहने वाले जिस जाति धर्म के मजहब के लोग हैं, लगभग उसकी हालत अच्छी नहीं है। लेकिन जो टेंडर बड़ा बड़ा लेता है, अब 1200 करोड़ का टेंडर, 400 करोड़ का टेंडर, 300 करोड़ का टेंडर, टेंडर प्रक्रिया ही गलत है। टेंडर को कर देना चाहिए ब्लॉक लेवल पे, और इंटर से BA जो जिसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत बेस्ट है, 20 लाख से 40 लाख का टेंडर करना चाहिए, करोड़ का टेंडर नहीं करना चाहिए। यदि 20 लाख 40 लाख का टेंडर होगा तो रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को मिलेगी और इसमें माफिया इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो रेवेन्यू के चलते सर आम आदमी मरे क्या? मेरी बात नहीं सुने क्या आपने? समझे नहीं? जी जी समझ। टेंडर की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। रोजगार की बात यदि आप करते हैं तो उन 1200-1400 करोड़ जो एक स्टेट का टेंडर होता है, जो टेंडर 3000-1200-1400 करोड़ जाता है, एक जिला वाइज टेंडर है जो 300-400 टेंडर जाता है, माइनिंग का, बालू का, खनन का। मेरा मानना है कि देश में जब हम रोजगार की बात करते हैं तो अन स्टेट में जो कुछ जगह पर ऐसी प्रक्रिया है कि यदि आप 20-30 लाख का टेंडर करेंगे तो जो पढ़ा लिखा लड़का जिसका कैरेक्टर बहुत बेस्ट है और उस प्रक्रिया के तहत टेंडर करेंगे, 40 से ऊपर का टेंडर नहीं होगा, तो कॉमन जो मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर है वो टेंडर ले पाएगा। इसमें क्या होगा, ओवरलोडिंग की भी प्रक्रिया नहीं होगी, इसमें रेवेन्यू भी हमको ज़्यादा आएगा और आम आदमी को रोज़गार भी मिल जाएगा। अभी या तो इसमें नेता को पैसा जाता है, या तो माफिया को जाता है, या तो पदाधिकारी को जाता है। जब पदाधिकारी अकूट पैसा लेंगे, माइनिंग अफसर अकूट पैसा लेंगे और ये सबका हिस्सेदारी और बंटवारा है, तो ओवरलोड तो आप रोक नहीं पा रहे हैं ना, ना ओवरलोड के चलते रोड की क्षति होती है, ओवरलोड के चलते जान माल की स्थिति बुरी होती जा रही है। और हम सही तरीके से जो रोडवेज कानून है, लॉ है, उसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब ये दिक्कत तो है। अब जैसे मौत हुई, अभी तक ट्रक नहीं पकड़ा है, मौत हुई अभी तक कोई राशि नहीं मिला, अभी तक एक बच्चा, एक बेटा इनका चला गया,
पूरे परिवार वहाँ चला गया, पुतहू चली गई, बिटिया चली गई, तो स्थिति भयावह तो है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस दिन मैंने सुना, क्योंकि लगातार कभी चौसा में घटना किसानों को लेकर के वहाँ धरना पर बैठे थे, फिर दो मासूम बच्ची को गोली मार दिया गया लड़कों के द्वारा वहाँ पर थे, तो लगातार कोई घटना जो है स्थिति उसमें देखना पड़ता है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं ट्रक की जो पैसे पकड़ाया जाए। अब जैसे यहाँ के गार्जियन ने हमको कहा कि यदि बच्ची को नौकरी मिल जाए, प्रोसेस वो नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, जैसे नियोजित या संविदा अभी चल रहा है उसमें यदि बच्ची को हम लोग प्रोसेस के तहत ले जाके करवा सकते हो तो उसको देखेंगे। लेकिन मुआवजा जो 4-4 लाख का है सरकार को, हम शाहनवाज मिनिस्टर से बात करते हैं और उस मुआवजा को दिलाने का प्रयास। कल भी सर गेराबाड़ी चौक पर एक गरीब व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो गया, अक्सर रोज होता है सर, इस पर कोई ना कोई डीटीओ को जिम्मेदारी तो आकर लेनी ही चाहिए सर। भैया डीटीओ या एमवीआई या पुलिस, देखिए सबकी अपनी अपनी भूमिका है। पहले तो कानून को थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करिए, बायफर्केशन उसको ऐसे करना पड़ेगा। आप जैसे आप उम्मीद करते हैं कि आप जो दरोगा का काम है वो CRPC का काम है, लेकिन वो भी दखल देता है। जो DTO का काम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, MVI का काम है बिल्कुल गाड़ी के चेकिंग का है, वो भी अलग चीज़ है। कॉमन आदमी परेशान होता है और माफिया पैसे वाले परेशान नहीं होते हैं। आम आदमी की मौत जो है DTO या सिस्टम के लिए कोई माने नहीं रखता है, क्योंकि आम आदमी की मौत का संबंध सियासत सत्ता से नहीं है, इसको ऐसे आप समझिए। जब सत्ता सियासत का जुड़ाव आम आदमी से नहीं होगा और सियासतदार को डर नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। एक दूसरी तरफ जो पैसे वाले लोग हैं उसके लिए कोई कानून नहीं है, नेता के लिए, जजेज के लिए, माफिया के लिए ज़मीन है, बालू है, ड्रग्स है, शराब है, इसके लिए कानून बहुत अपने जेब में रखते हैं ये लोग। तो इसीलिए आम आदमी की मौत से ना सोसाइटी पर कोई फर्क पड़ता है और ना किसी पर। ठीक है मरले एक्सीडेंट में चल गए, भगवान को इतना ही मंजूर था, किस्मत में लिखा हुआ था, भाग ठीक नहीं चल रहा था, कि भाग ठीक नहीं किस्मत में लिखा था, भगवान को मंजूर था, बस इतना ही तो है ये सोसाइटी। कुल मिलाकर सर यही कहना है कि आम आदमी गजरा मुड़े के भाव मरे, बिल्कुल, और सर नेता हो पदाधिकारी हो सब बिंदास जी हैं। बुरा नहीं मानिएगा आप लोग ना, सबसे कमजोर और कायर पब्लिक है और आप है जी। ये जो प्रेस वाले हैं ना, ये जो माफियाओं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं दादा नाना सबके इर्द गिर्द, ये कौन विधायक, ये कौन MP MLA, पप्पू यादव को बोलिएगा ना तो हम ठेल देंगे। ब्रजेश सिंह भी नहीं घूमता है सर। सर मैं आपको बता दूं भाई, मैंने कहा जी खूब घूमता है, चुपिए एकदम चुप रहिए, हमको मत सिखाइए। नहीं नहीं सर जो कह रहे हैं बारे में हमको मत सिखाइए, लेकिन सब एक जैसा नहीं है। बिना दारू के आप नगर निगम में वोट दिए हैं, बिना पैसा का वोट दिए हैं भैया, बिना पैसा का कोई वोट देते हैं तब तो ढूंढिएगा ये कौन जात छे, कौन धर्म छे, समझे। तब मोदी या गोदी या लालू नीतीश अफलना बोलवाइए मत बोलते।